कठिन सी वरदान एक ऐसा पुण्य कार्य है, उसे कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उसको तकलीफ नहीं दे सकता, मतलब कोई भी। स्वागत है आप सभी का, आप लोग देख रहे हैं बुदास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सु आख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के विशेष वर्षावास समापन तथा कठिन शिवरदान समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेम नमो मा थेरो पण्डितजी को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु हर्षबोधि महाथेरो, पूजनीय भिक्षु ज्ञान रक्षित थेरो, पूजनीय थाई भन्ते जो फ्राको भन्ते जी है भन्ते जी, प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ श्रामनेरगण, श्रद्धा सम्पन्न बुद्धि सम्पन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः ये कैलाश नगर स्थित नालंदा हस्तशिल्प बुद्ध विहार में पूजनीय भिक्षु बोधिरत्न भन्ते जी 3 महीना वर्षावास तथा ग्रंथ वाचन समापन करते हुए आज का ये विशेष कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भन्ते जी को बोधिरत्न भन्ते जी को साथ ही साथ पूजनीय भिक्षु धम्मज्योति थेरो प्रमुख संपूर्ण आज के कार्यक्रम में साथ देने वाले पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़ सके ऐसी कामना करते हैं। बोले साधो साधो साधो। आज विशेषतः ये वर्षावास समापन तथा कठिन चीवरदान समारोह है। वर्षावास समापन, जहाँ जहाँ वर्षावास किसी न किसी रूप में कोई न कोई कार्यक्रम करते हुए मनाते हैं, चाहे ग्रंथ वाचन करो, चाहे वहाँ के उपासक उपासिकाएं मिलके समय समय पर हस्तशिल्प उपोष धारण करो, या कोई न कोई जहाँ एक्टिविटीज रहते हैं वहाँ वर्षावास समापन के रूप में कार्यक्रम होता है। और विशेषतः वर्षावास समापन कार्यक्रम पूजनीय भिक्षु संघ के उपस्थिति में ही संपन्न होता है। और विशेष ये वर्षावास समापन कार्यक्रम कोई भी विहार में किसी भी तरह से भले ही करे, परंतु ये जो कठिन चीवरदान समारोह है वो केवल और केवल ऐसी जगह पर, ऐसे निवास स्थान पर या ऐसे गांव में, ऐसे बुद्ध विहार में ही संपन्न हो सकता है जहां उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 3 महीना विनय पूर्वक वर्षावास संपन्न करते हैं। ये सारे पंते यहाँ दिख रहे हैं, कोई बड़े पंते जी है, कोई छोटे पंते जी है, कोई दिखने में उम्र में बहुत उम्र हो चुका है परंतु वो थोड़ा जूनियर है, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ भिक्षु संघ दिखता है,
तो जो जो व्यक्ति उपासक गृह त्याग करके प्रवज्य धारण करते हैं, उनको हम सम्मान पूर्वक पांते कहते हैं, मगर वो हमारे विनय के हिसाब से उसे कहते हैं हम श्रामनेरा, श्रमना श्रामनेर कहते हैं। श्रामनेर कितने भी उम्र में बन सकते हैं, उम्र के 7 साल से लेके 70, 80, 90 कितने भी साल में वो श्रामनेर बन सकते हैं। परंतु श्रामनेर बन के कम से कम उम्र में 20 वर्ष परिपूर्ण होना चाहिए, उसके बाद फिर से पूजनीय भिक्षु संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा लेना रहता है। ये सामने दीक्षा कोई एक गुरु भी रहा, एक पंत भी उसको सामने दीक्षा दे सकते हैं, मगर उपसंपदा दीक्षा देने के लिए भिक्षु संघ कंपलसरी वहाँ होना ही चाहिए, कमी तो कमी 10 पूजनीय भिक्षु संघ होना चाहिए। तो इस तरह से उपसंपदा दीक्षा लेने के बाद अब वो भिक्षु बनता है। भिक्षु बनने के बाद वो वर्षावास 3 महीना कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर अधिष्ठान करके 3 महीना वर्षावास संपन्न करते हैं। जहाँ ऐसे उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 3 महीना वर्षावास संपन्न करते हैं, वही जगह पे ये कठिन चीवर दान दे सकते हैं। अभी कठिन चीवर दान में क्या हो सकता है, कठिन चीवर दान में चीवर हो सकता, चीवर ही रहता है, या तो वो उत्तरासंग भी रह सकता है, या तो वो अंतर्वासक भी रह सकता है, या तो वो संगाति भी रह सकता है, या तीनों चीवर एक साथ भी रख के त्रिचीवर भी रखते हैं। हाँ, तो ये कठिन चीवर दान सबसे पहले ऐसे निवास, ऐसे जगह, ऐसे बुद्ध विहार जहाँ उपसंपदा प्राप्त भिक्षु वर्षावास परिपूर्ण करते हैं। और ये कठिन चीवर दान देने का जो महोत्सव है, अभी यहाँ बोधि रत्न भंते जी रहे हैं, और चलो अभी एक दिन भंते जी को हम ये कठिन चीवर दान देंगे करके सभी उपासक उपासिका मिलके यहाँ दान देने के लिए आते हैं, तो उसे कठिन चीवर नहीं कहते, उसको केवल चीवर दान कहते हैं। कठिन चीवर होने के लिए ये उपसंपदा प्राप्त 4 या 4 से ज्यादा भिक्षु संघ होना चाहिए, और ये भिक्षु संघ को देते हैं, फिर भिक्षु संघ ये वर्षावास रहने वाले भिक्षु को देते हैं। अगर कहीं एक या उससे ज्यादा भिक्षु संघ वहाँ वर्षावास में रुके, तो पूजनीय भिक्षु संघ वो चीवर जिसको जरूरत है, जिसका जिसको आवश्यकता है या जिसको देना चाहिए, वो देखते हुए ये कठिन चीवर दान देते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो भी हम शरीर से अच्छा करते हैं, वाणी से अच्छा बोलते हैं, मन से अच्छा सोचते हैं, ये पुण्य है, ये कुशल है। जो हम दान देते हैं ये कुशल है। जो हम शील पालन करते हैं ये कुशल है। जो हम ध्यान साधना करते हैं ये कुशल है। तम देशना सुनते हैं, तम की चर्चा करते हैं, ये कुशल है। नम्र होके आदरणीय गौरवनीय व्यक्ति का पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, ये भी कुशल है। बहुत सारे कुशल पुण्य कर्म तथागत बुद्ध कहते हैं। परंतु तथागत बुद्ध ऐसे दान का उपदेश भी देते हैं जिसे कुशल नहीं महाकुशल कहते हैं। कुशल बोले तो एक बार पुण्य किया, उसका पुण्य फल मिल गया, हो गया। मगर महाकुशल बोले तो पुण्य एक बार किया, उस समय पुण्य मिल गया, और उसके बाद भी बारंबार बारंबार उसका पुण्य मिलता रहता है, उसे कहते हैं महाकुशल। जिस तरह आज पूजनीय भिक्षु संघ को ये कठिन चीवर दान दे रहे, ये महाकुशल है। तथागत बुद्ध अर्थ महाकुशल का उपदेश देते हैं। 8 प्रकार के महाकुशल का उपदेश देते हैं। वो 8 प्रकार के महाकुशल में बुद्ध विहार दान भी आता है, बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना ये भी आता है, बुद्ध मूर्ति दान देना भी आता है, सार्वजनिक शौचालय बना के दान देना ये भी आता है, कठिन चीवर दान देना भी आता है, अस्त परिखार जो पूजने भिक्षु संघ को जरूरत का ये 8
चिचीवर संगाते, ये पात्र ऐसे आठ परिष्कार है, वो आठ परिष्कार दान देना भी ये महाकुशल है। उसके बाद संग दान देना भी महाकुशल है, तम दान देना भी महाकुशल है। ऐसे महाकुशल में आज कठिन चिवर दान का ये महाकुशल हम कर रहे हैं। और उपासक उपासिकाएं, ये कठिन चिवर दान जो दे रहे हैं, केवल ये चिवरी दान दे रहे, कपड़ा ही दान दे रहे, बस इतना ही है, ऐसा मत समझ लीजिए। ये कठिन का मतलब बहुत ही कठिन है, बहुत ही तकलीफ है, मुश्किल है, इस माने में नहीं। कठिन पाली का जो कठिन शब्द है, इसका मतलब होता है एकदम दृढ़ श्रद्धा, अकात्य श्रद्धा, हाँ, जिसमें होता है जिस तरह से वो श्रद्धा रख के दान देते हैं, और जो पुण्य करने से उसका फल आने में कोई भी रुकावट नहीं आ सकता, कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता, उसे कहते हैं कठिन चिवर दान। उपासक उपासिकाएं, जैसे जैसे हम कभी कभी पाप करते हैं, वो पाप भी कभी कभी उसका फल आए बिना छोटे मोटे में खत्म हो सकता है। जैसे उंगली माल ने हजारों लोगों को मारा, मगर वही जीवन में दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त किया, दुर्गति जाने की जरूरत नहीं पड़ा। वैसे ही कभी कभी हम पुण्य कार्य करते हैं, मगर पुण्य का फल आने का वातावरण न होने से कभी कभी वो भी माइनस होता है। जब पहली बार राजा अजात शत्रु तथागत बुद्ध के पास वेलवन बुद्ध बिहार में जाके धम्म देशना सुनते है, इतना प्रभावित होता है, तत्काल तत्क्षण वो बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके वो वापस आते हैं। और तथागत बुद्ध वो राजा अजात शत्रु को दिखाते हुए भिक्खु संघ को कहते हैं, भिक्खु संघ देखो ये राजा अजात शत्रु को, अगर ये राजा अजात शत्रु देवदत्त जो दुष्ट है, एकदम मूर्ख है, ऐसे दुष्ट देवदत्त की संगत ना करते हुए अपने पिता को न मारते, तो पहली बार बुद्ध का उपदेश सुनते ही वो श्रोता प्रतिफल में पहुंच जाते थे, मगर वो दुष्ट देवदत्त के संगत में पड़ के अपने पिता की हत्या किया, इसलिए अपने श्रोता प्रतिफल प्राप्त होने के जो पुण्य संस्कार है उसको भी नाश कर बैठा। तो ऐसा भी रहता है कि कभी कभी जो पुण्य करते है उसका फल भी आने के वातावरण न मिलने से नहीं मिलता, मगर तथागत बुद्ध कहते हैं ये कठिन चिवर दान एक ऐसा पुण्य कार्य है, उसे कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, कोई भी उसको तकलीफ नहीं दे सकता, मतलब कोई भी उसको रोक नहीं सकता, ये करते हैं ये पुण्य का फल आना ही है, आता ही है। तथागत बुद्ध के समय में एक नागित स्थविर भंते भगवान बुद्ध के सामने बैठ के कहते हैं, भगवान मैं किसी एक बुद्ध के समय में एक बार कठिन चिवर दान दिया था, कल्पों पहले एक बुद्ध के समय में एक बार कठिन चिवर दान दिया था, उसके बाद मैंने दुर्गति क्या है अभी तक जाना ही नहीं, मैंने कभी दुर्गति देखा ही नहीं, मतलब कल्पों तक दुर्गति जाने का रास्ता बंद कर देते हैं ये कठिन चिवर दान। दिखने में सिर्फ चिवर ही है, दिखने में यही है, वस्त्र ही है, मगर ये कितना बड़ा संग दान है ये ध्यान रखिए। हम बार 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 उपदेश सुनते हैं, स्वयं तथागत बुद्ध भी संघ को जोर देते हैं, संगे दिन्नम महफलं, संघ को दान देता है तो महान फलदायी होता है, ऐसा उपदेश देते हैं और हम सुनते आए हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं भविष्य में ऐसे भिक्खु संघ भी होंगे जो ऐसे कासा वस्त्र का धागा गले में लगा के अपने आप को भिक्षु कहेंगे, जो वो धागा अपने कानों में बांध के भी अपने आप को भिक्षु कहेंगे, वो पूजा के समय में भिक्षु बन के आएंगे, बाकी समय में परिवार बच्चे बीवी के साथ रहेंगे, ऐसे भी भविष्य में भिक्षु बनेंगे।
और ऐसे समय में वो भिक्षुओं के संघ को भी संघ उद्देश्य करके दान देते हैं, तो उन समय में भी वो संघ दान का फल बहुत ही महान रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। बुद्ध कहते हैं संघ दान के सामने मैं कभी भी व्यक्तिगत दान का प्रशंसा नहीं करता। संघ दान में बुद्ध के समय के सारिपुत्र महामौद्गल्यान जैसे अग्रश्रावक, महाकाश्यप अनिरुद्ध जैसे महाश्रावक, जितने भी अर्हत हो चुके भिक्खु संघ, सारे के सारे भिक्खु संघ ये संघ दान में आते। पहले के भिक्खु संघ, वर्तमान समय के भिक्खु संघ, भविष्य के भिक्खु संघ, सारे के सारे ये संघ दान में आते हैं। इसलिए गुण 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 मिलके महासागर जैसे गुण का ये संग्रह होता है। इसलिए संघ को दान देना बहुत ही बड़ा पुण्य है जो हम अभी कर रहे हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं, जीवन मिला है ये मनुष्य, जो तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभो, मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन उसी को मिलता है जो पुण्यवान है। पुण्यवान होके ये दुर्लभ जीवन तो प्राप्त हो गया, उसमें भी बाबा साहब की पुण्य ही इतना दुर्लभ तथागत बुद्ध के धम्म मिला है। दुनिया में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान संग मिला है। तो ऐसे समय में हमें खूब सजग सचेत रहते हुए खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उससे कईयन ज्यादा अच्छा परिणाम आएगा हमें। इसलिए हमें खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, हर इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठना, बार बार बारंबार पुण्य करते रहना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिल सकता है, क्या अपेक्षा रख सकता है। बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है और वो भी गारंटी के साथ मिलता है। अगर जीवन में हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, अगर जीवन में हमें खूब अच्छा करना है, खूब भला करना है, तो हमें पुण्य ही करना पड़ेगा, धम्म ही करना पड़ेगा। और जब जब मौका मिले, जब जब मौका बना सके, हमें वो पुण्य में भी महापुण्य, कुशल में भी महाकुशल करते जाना है। तो उपासक उपासिकाएं आज के समय में विशेषतः यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब तम कर सके और खूब मेहनत परिश्रम करते हुए जीवन में महाकुशल भी कर सके और ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।